I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. तो गाइस ये है वर्टेक्स ड्यून 3। आपको देख के पता चलेगा कि ये ड्यून 3 है या ड्यून 4 है, क्योंकि ड्यून 4 में यहाँ पे सस्पेंशन होता है और ड्यून 3 में सस्पेंशन नहीं होता है, रिजिड फॉर्क होता है। तो आपको देख के ही पता चलेगा कि ये कौन सा साइकिल है। तो गाइस कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो था 20,000 के अंदर एक अच्छा फैट बाइक। तो वीडियो देख के मेरा एक सब्सक्राइबर, और उसको वो सब्सक्राइबर भी है और हमारा टीम का मेम्बर भी है, तो उसने ये साइकिल ख़रीदा है वर्टेक्स ड्यून 3। तो आज मैं इस साइकिल का स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा आप लोगों को, तो देखते रहिए वीडियो के एंड तक। सो गाइस इस साइकिल में आपको पूरा जो फ्रेम मिल रहा है वो 6061 एलॉय फ्रेम मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6061 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 6061 एलॉय, आप देख सकते हैं। तो आप समझ रहे हो कि 6061 एलॉय मतलब ये पूरा जो साइकिल है वो बहुत ही लाइट वेट होगा। आप देख सकते हैं साइकिल का वेट ज़्यादा नहीं है, ये शायद 19 से 20 केजी के आसपास इसका वेट होगा। साइकिल का फ्रेम बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फ्रंट में सस्पेंशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये ड्यून 3 है, और इसको आप यहाँ पे सस्पेंशन लगा भी सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 80mm लिखा है, वर्टेक्स 80mm, इसका मतलब मुझे नहीं पता 80mm क्यों लिखा है यहाँ पे। सस्पेंशन ही नहीं है तो 80mm का क्या मतलब, 80mm ट्रैवल। सो गाइस आप देख सकते हैं दोनों साइड पे आपको मिलेगा मैकेनिकल लोगन का मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि आपको लोगन का डिस्क ब्रेक मिलेगा, लोगन का ये मैकेनिकल डिस्क ब्रेक मिल रहा है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर का जो कॉम्बिनेशन है, फ्री व्हील के साथ आपका 21 स्पीड गियर आपको मिलेगा, 3x7 21 स्पीड गियर रेशियो। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टर्नी, मतलब शिमानो टर्नी आपको मिल रहा है, और सामने भी आपको शिमानो टर्नी मिल रहा है। सो गाइस आपको यहाँ पर जो शिफ्टर मिल रहा है आप देख सकते हैं शिमानो इजी फायर EF 500 का शिफ्टर मिल रहा है, 3x7 का रेशियो है यहाँ पर। और इसका जो स्टेम है वो भी अलॉय है, आप देख सकते हैं 4 जो स्क्रू वाला जो आपको स्टेम मिलेगा यहाँ पर, और ये सेफ्टी के लिए कंपनी की तरफ से दिया हुआ है। और यहाँ पर एक बेल भी आपको मिल जाएगा, और आपका जो ब्रेक लीवर मिल रहा है वो भी एलॉय लीवर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं ये मेटल का है। और गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो पैडल आपको मिलेगा, स्पाइक वाला जो मेटल पैडल आपको मिल रहा है यहाँ पर, और क्रैंक नॉर्मल एक क्रैंक दिया हुआ है यहाँ पर। जिसका साइकिल है उसने यहाँ पर अलग से पेग्स लगाया है। और गाइस यहाँ पर जो सीट आपको मिलेगा वो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, एक कुशन वाला कंफर्टेबल आपको सीट मिल रहा है। और इसको सीट या पोस्ट आपको मिल रहा है, सीट पोस्ट वो भी एलॉय का है, आप देख सकते हैं सीट पोस्ट एलॉय का सीट पोस्ट मिल रहा है क्विक रिलीज के साथ। सो गाइस इसका जो टायर मिल रहा है वो है 26x4, एक फैट टायर है, और पंप बहुत ही हार्ड दिया हुआ है साइकिल में इसीलिए इतना बाउंस कर रहा है साइकिल, पंप कम करना पड़ेगा थोड़ा। सो गाइस इस साइकिल का जो सारे एडवांटेज मैंने बता दिया है, अभी साइकिल का कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब कुछ कॉन्स भी है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस साइकिल को ख़रीदने के बाद आपको जो चीज़ पता चलेगा। एक है इसका जो हैंडल बार का ग्रिप, वो आसानी से ऐसे निकल जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन है आप मार्केट से दूसरा जो है ग्रिप लगा सकते हैं। इसका ग्रिप ये देखो, ये निकल जाएगा, ऐसा करोगे तो एकदम निकल जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग एकदम निकल जा रहा है। और आपको सामने यहाँ पे हैंडल, यहाँ पे जो सामने क्विक रिलीज नहीं मिल रहा है, तो अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं पर भी, तो
वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। और तीसरा जो चीज़ मुझे डिसएडवांटेज लगा इस साइकिल में, तो वो है इसका जो स्टैंड है वो अलग से लगा हुआ है यहाँ पर, वो कंपनी की तरफ से ही अलग से ही लगा हुआ आया था, ऐसा ही आया था, तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। अगर आप नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, आप खोल भी सकते हैं, स्टैंड लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये मुझे एक साइकिल में कमी लगी, क्योंकि ये इसको लगा कि साइकिल का लुक थोड़ा सा बिगड़ रहा है। आप देख सकते हैं इसको लगा के साइकिल का लुक बिगड़ रहा है और ये थोड़ा ढीला भी है, इसमें से नॉइस आ रहा है, तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड का जो सिस्टम है, यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, तो स्क्रू को आप खोल के इसको छोटा बड़ा आपके साथ आपको कैसा इसको रखना है उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है सिस्टम, अच्छा है, लेकिन मुझे एक कौन ही लगा। ये देखो ये खुल रहा है, ये देखो खुल गया। सो गाइस ये क्या है, एक खुल गया है, हाथे को लगी जुड़ेगी। सो गाइस इस साइकिल का एक बार हब साउंड भी आप लोग सुन लीजिए, हब साउंड कैसा मिलेगा आपको। सो आप लोग देख लीजिए इसका हब साउंड आपको कैसे मिलेगा, नॉर्मल एक हब साउंड आपको मिलेगा, नो साउंड फुल साइलेंसर लगा हुआ है इसमें, आपको ज़्यादा साउंड नहीं मिलेगा हब साउंड। सो गाइस अभी साइकिल का जो है ग्राउंड क्लियरेंस हम चेक करेंगे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं ग्राउंड क्लियरेंस, ये बहुत छोटा है इसको फेंक देते हैं, इसे टेस्ट करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस। सो गाइस पहले इस साइकिल का टेस्ट करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस, अब देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक लकड़ी या कुछ भी लेके आप टेस्ट कर सकते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। ये देखिए इतना तक आ रहा है, मतलब इतना आएगा तो मतलब पैडल का आप देख सकते हैं, पैडल का कितना आ रहा है, पैडल का इतना, नीचे का पैडल इतना आ रहा है। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, देखिए ये एक बार देख लीजिए कितना तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से तोड़ देता हूँ इसको, यहाँ से तोड़ देता हूँ इसको, तोड़ ही देता हूँ यहाँ से, मतलब इतना तक ही है, आप देख सकते हैं इतना तक, मतलब इस साइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस इतना तक है। अभी मैं मेरा फैट बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना गैप, आप देख सकते हैं, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही नीचे है, शायद लैम्बोर्गिनी है ये, लैम्बोर्गिनी फैट बाइक, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम फैट बाइक लेके ज़्यादातर ऑफ रोडिंग करेंगे, तो अगर फैट बाइक लेके हम ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगे तो फैट बाइक का क्या फ़ायदा है। तो ये देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा है, आप पैडल का भी देख सकते हैं, अब पैडल के देख सकते हैं मेरा इतना तक आ रहा है, इतना तक आ रहा है, इतना तक। अब यहाँ पे आप चेक करिए, ये देखिए बहुत नीचे, अभी थोड़ा और भी नीचे आएगा, ये देखिए बहुत नीचे, यहाँ तक, मतलब इतना इतना गैप है पैडल का, मतलब आप कोई भी बम्प्स क्रॉस करना चाहोगे तो आपका पैडल जो है पैडल टच हो सकता है, क्रैंक टच हो सकता है, हाँ ये एक दिक्कत आपको आएगी इस साइकिल में। सो गाइस ये मेरा साइकिल है, और ये मेरा जो दोस्त ने साइकिल ख़रीदा है उसका वोल्टेक्स ड्यून 3, और ये मेरा फिट ट्रिप बैड बॉय। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपका साइकिल में क्या प्रॉब्लम है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप पेडलिंग। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.
You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. दबा के हवा निकल रहा है, देखो बहुत पेशाब था। 20 बोला था, 20 और लगता है 40 दे दिया था। ब्लास्ट हो जाएगा ना, पूरा बर्धमान ही उड़ जाएगा। दुकानदार ने सोचा था जेसीबी का टायर है। ऑफ अब जाके ऑफ हुआ है, क्योंकि बात नहीं समझ नहीं आ रहा था इसको। अगर धमका के बोलो ना GoPro टर्न ऑफ, ऑफ हो जाएगा। अरे देखो ऑन भी हो गया। अरे भाई तुझको ऑफ होने के लिए बोला था, तू ऑन क्यों हो गया? GoPro टर्न ऑफ। अरे सुन तो भाई कभी मेरे बात, GoPro टर्न ऑफ। अभी जाके ऑफ हुआ। रिकॉर्डिंग हो चुकी है। रिकॉर्डिंग चालू।